Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request. Please get connected to the Telegram channel above, join it so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing the PDF of the question and answer, whatever is. Coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense that is the last lecture there is an i button given above please click it watch that particular lecture and then you can come here very importantly at the end is if you have not subscribed to our youtube channel please do make that a task for the day and subscribe to our channel and together with that also press the bell icon so that mr youtube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform that's as far as the reminders are concerned let me get started with today's lecture so we meet again once more hopefully for the last time for me explaining to you analysis of final statement in that रेशियो एनालिसिस सो मोस्ट ऑबली जब नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर के लिए मिलेंगे तो इसके लिए नहीं रेशियोज के लिए नहीं अगेन क्विकली रेशियोज ये लंबा लिस्ट बैलेंस शीट के रेशियोज किए हमने इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज किए एंड इनफैक्ट लास्ट टाइम वी रीच्ड टू दिस ओके बाय दिस आई मीन द कम्बाइन रेशोस है दो टेक्स्ट बुक ने एक कराया था मैंने लास्ट टाइम बता दिया था एव शोड यू

ओके व्यापार काम धंधा ओके अलग अलग टाइप्स का होता है आइसक्रीम का होता है नटबोल्ट का होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है कपड़ों का होता है टेलीकम्युनिकेशन का होता है बैंकिंग का होता है इंश्योरेंस का होता है वड़ा पाव का होता है देर आर सो मैनी बिजनेस रस्ते पे जाओगे लेफ्ट में दुकान मिलेगा राइट में दुकान मिलेगा कोई छोटी चीज़ बना रहा है कोई बड़ी चीज़ बना रहा है कोई बड़ी स्वादिष्ट चीज़ बना रहा है कोई जिसको अच्छा स्मेल आता है ऐसा कुछ बना रहा है सो एवरीबडी इज मेकिंग समिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज एवरीबडी इज डूइंग अजनेस विच इज़ अ गुड थिंग विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग ओके अपने बिजनेस में क्या होता है ना अपनी मर्जी चलती है इफ़ यू वर्क अंडर सम वन तो दूसरी किसी का बात सुनना पड़ता है अभी जिसको जैसा सूट कर सम्बड़ी इज एम्प्लॉयड सम वे बट सम्बड़ी रन अ बिजनेस ऑन हिज ओन वेन यू रन अ बिजनेस ऑन योर ओन यू डेफिनेटली वुड वॉन्ट टू नो देखो कोई भी ये नहीं चाहेगा एग्जाम्पल एक जमाना था जो आजकल भी होता है क्या कौन सा जमाना के आपने लेट्स से घर को पेंट कराना है ओके देन विल दिस पेंट लुक गुड और इट विल नॉट लुक गुड क्योंकि आ, जाके पेंट खरीद के लेके आओ और वो पेंट बना लो और उसके बाद में वो ना जचे योर मनी विल गो वेस्ट ओके सो मैनी टाइम्स देर आर मेनी मैनी डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक वे यू वांट टू नो सी आई विल पुट माय टाइम आई विल पुट माय एफर्ट्स पैसे डाल दूंगा टाइम डाल दूंगा बट अगर वो सफल नहीं रहा सक्सेसफुल नहीं रहा देन व्हाट वेस्ट जाएगा हाँ सिमिलर टू दैट ओके यू शुड बिफोर यू गेट योर इन अ बिजनेस अगर आप कहाँ पर गैराज डालते हो तो गैराज के बिजनेस में भी ओके okay, जहाँ पे आप पंचर बनाते हो रिपेयर का सर्विसेज प्रोवाइड करते हो डेंटिंग पेंटिंग करते हो सो मेनी थिंग्स ओके यू वड वांट टू नो कि नॉर्मली कितना हम लोगों को प्रॉफिट होता है इसके अंदर हाँ तो आई रिपीट माई सेल्फ दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट टू नो थ्रू दिस पर्टिकुलर रेशो ये रेशो आपको एक बिजनेसमैन को बताएगा कि देखो आपने इतना पैसा डाला और आप इतना कमा रहे हो तो प्रतिशत परसेंटेज में आप कितना कमा रहे हो ना अगर मैं बीस परसेंट कमा रहा हूं ओके सो इस बीस परसेंट गुड और बैड एक काम करो ना आपका एक मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है तो दो दुकान आगे जाओगे दूसरी गली में जाओगे उधर भी तो है ढूंढो ओके okay? दया कुछ तो गड़बड़े इन्वेस्टिगेशन करो फाइंड आउट वो कितना कमाता है अगर तुम ट्वेंटी परसेंट कमाता है वो पंद्रह परसेंट कमाता है अरे मतलब तुम अच्छा कर रहा है डूइंग गुड बट अगर वो ट्वेंटी फाइव कमाता है टू ट्वेंटी कर रहा है मतलब तुझको अभी तक क्या करना है और मेहनत करनी है सम वे सम गड़बड़ी है सो इट फॉर कंपेरिजन पर्पजेस टू नो प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इट इज हेल्पफुल ओके सो दैट्स द सिंपल फंडा ऑफ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और return on capital employed the different names given to it combined ratio mixed composite okay our uh, formula is the following Joe net profit upon capital employed multiplied by hundred when you look at the question you first try to find out um, do i have net profit in the question uh, do i have capital employed in the question if you have it चुटकी बजा के ये मैगी नूडल्स जैसे सॉल्व हो जाएगा हाँ अगर नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा लेट्स सी द द क्वेश्चन नंबर द पेज नंबर इज ऑलवेज मैंशनड इन द टाइटल ऑफ द लेक्चर तो पीछे नहीं होगा जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ओके इट जस्ट से स्केट्स महाराष्ट्र ब्रोड एंड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बिकॉज द क्वेश्चन नंबर द पेज नंबर वो पॉसिबल होता है कि वो चेंज हो तो टाइटल में दिया गया है सो यूल कम टू नो विच क्वेश्चन एंड विच पेज राइट नाउ कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पैसे जो बिजनेस में डाले और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम 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 सेल्स सेल्स तो नहीं चाहिए हमको हमको चाहिए नेट प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर वो भी नहीं चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं वो भी नहीं चाहिए कैपिटल एम्प्लॉय हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड जी कि बिजनेस में पाँच लाख डाला चलो उतना समझा ये बाकी का उन लोग ने हमको मसाला क्यों दिया एक्स्ट्रा काम क्यों किया उन्होंने लेट्स सी चेक कर लेते हैं ओके okay, तो जो डिनोमिनेटर है फाइव लाख डिनोमिनेटर वो उन लोग ने दिया न्यूमरेटर नेट प्रॉफिट नहीं दिया बट टू फाइंड न्यूमरेटर दे गिव यू सम हिंट्स देखो कोई भी गेम रहेगा ओके okay? वो गेम में किसको ढूंढना है या क्या ढूंढना है कुछ हिंट्स तो रहते हैं ना ओके okay. कुछ ना कुछ तो सुराग रहते हैं हिंट्स ओके सो आई रिपीट व्हाट आर द हिंट्स देखो वी हैव टू मेक अ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू स्टेटमेंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दैट हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट सबसे पहले उन्होंने दिया सेल्स ओके okay. कितना दस लाख रुपये चलो गुड हाउ डू आई फाइंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम दिस अरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो दिया ना वो माइनस करो ओके okay, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स चलो माइनस किया हाउ मच इज दैट पाँच लाख तो क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा चलो वो भी लिख लिया पाँच लाख फिर क्या दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफिस का सेलिंग का ओके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया कितना तीन लाख कितना आया आपका आंसर यू कैन कॉल इट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यू कैन कॉल इट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आपका आ गया हाउ मच इज दैट टू लैख रुपीज सो आई रिपीट इन द लास्ट लेक्चर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया तो वी हैव टू वर्क एंड फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिनिनेटर इन द लास्ट लेक्चर टू डे वी हैड टू फाइंड आउट द न्यूमिनेटर जो भी है दैट कैन बी दी ओनली कॉम्प्लीकेशन दैट दे कैन थोड़ा वहां पर उन लोग गुगली डाल सकते हैं दैट इज़ इट बाकी यू मस्ट नो द फार्मूला फॉर वॉट रीजन ऑब्जेक्टिव पर्पज इस डेफिनेटली सो आजकल एवरी स्टैंडर्ड छोटा स्टैंडर्ड बड़ा स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज ऑल ऑनलाइन 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 एवरीथिंग हैज बिकम एम सी क्यूज तो इफ यू नो एवरी थिंग दैट कैन कम इन एन एम सी क्यू क्वेश्चन और फार्मूला कैन डेफिनेटली कम इन एन एम सी क्यू क्वेश्चन ओके के बी सी मिस्टर अमिताभ बच्चन तो आपको नहीं दिएगी चार ऑप्शन ए बी सी डी नहीं वो नहीं देगी बट बोर्ड आपको देगा चार ऑप्शन उसमें से जो बेस्ट है वो सिलेक्ट कर लेना राइट नाउ आई कैन पुट दिस टू लैक रुपीज एज द न्यूमरेटर आई कैन डू माई गणित कैंसिल द जीरोज एंड द आंसर एट द एंड ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी बोल सकते हो इज़ फोर्टी परसेंट लास्ट टाइम कुछ टेन परसेंट है नाउ डोंट सी जो फोर्टी परसेंट मतलब यही बिजनेस करने का ऐसा नहीं है हर बिजनेस में ना रिटर्न अलग होता है ओके okay? वेन यूर कम्पेयरिंग यू कैन कंपेयर अ चाय वाले का बिजनेस एंड अ समोसा वाले का बिजनेस नहीं एंड आइसक्रीम वाले का बिजनेस और जो पंचर बनाता है मतलब कोई कनेक्शन नहीं है दोनों बिजनेसेस सेम होने चाहिए इसका परसेंटेज ढूंढो इसका परसेंटेज ढूंढो और कंपेयर करो ओके okay? तो ही रेशोज़ का एक्चुअल काम वो है कंपेयर करने के लिए ओके बट देन ट्वेल्थ लेवल पर वो कंपेरिजन उन लोग पढ़ाते नहीं इतना ही पढ़ाते है कि रेशो आपको किस तरह ढूंढना है सो आई होप बिफोर आई चेंज माई सीन द रिपीटेशन ऑफ दिस रेशियो वॉज एंड द एक्सप्लेनेशन वॉज अंडरस्टूड टू यू इफ इट वॉज़ अंडरस्टूड टू यू और हमारी ईमानदारी आपको वीडियोज में नजर आती है प्लीज़ डू लाइक द वीडियो शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉरवर्ड्स एज पॉसिबल इट विल नॉट बी अ वेस्टफुल फॉरवर्ड ओके हुए इट रीचेज टू अगर वो कॉमर्स के बच्चे हैं अगर उनको अगर उनके आसपास में कॉमर्स के बच्चे रहते हैं ये चैप्टर उनको है ये कॉन्सेप्ट उनको है डेफ़िनेटली उनको ये काम आ जाएगा ओके okay? इतना ही रखते हैं आज के लिए आ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब सो तो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे वो जो आपकी मोबाइल की घंटी है नोटिफिकेशन की जब हम अपलोड करते हैं एक लेक्चर वो आपको सुनाई ज़रूर दे ओके Uh, अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई कमेंट डालना है अगर कोई डाउट्स रहेगी नॉट जस्ट फॉर डाउट्स दूसरा कोई भी मैसेज आपको देना है अगर आपको कोई गलती दिखाई देती है तो वो डेफिनेटली होगी वी आर ह्यूमंस इंसान हैं गलती होती है आप गलती बता दोगे ओके okay? आपने कभी कोई बिल देखा होगा ना उसके एंड में आता है ई एन ओ ई एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड दुकानदार जब बिल छापता है खुद लिखता है उसमें एरर एंड ओमिशन के सर हमसे गलती हो सकती है या हम कुछ भूल सकते हैं अच्छा तमाशा मत करना ड्रामा मत करना आप हमको बता देना हम बिल को सुधार लेंगे सिमिलरली लेक्चर में वो सुधार हम कमेंट पिंड कमेंट के माध्यम से लेकर आ जाएंगे तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टेक केयर ऑफ़ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स टेक केयर ऑफ़ योर लवली फैमिली मेम्बर्स आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड टिल द टाइम यू मीट अगेन गॉड ब्लेस गुड डे टाटा